हेलो स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न नाइन स्टूडेंट हिंदी डाइजेस्ट आंसर हम देखने वाले हैं। लास्ट में जो आपके अनसीन पैसेज ग्रामर है वही सब। तो ये क्रमांक अपठित पद्यांश क्रमांक थ्री हम देखने वाले हैं। क्रमांक वन यानी पद्यांश क्रमांक वन टू हम ऑलरेडी देख चुके हैं और गद्य वाला जो अनसीन पैसेज है वो पूरा देख चुके हैं। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, और आपको हर वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर ही देखना है ताकि क्लियर दिखे। मुझे कमेंट आया था कि आप जो अनसीन पैसेज हैं, जितने भी राइटिंग स्किल है, नाइन्थ में ग्रामर है, वो बता दीजिए जैसे एट का बताया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए देखते हैं, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप खुद से कर सको, ठीक है। जैसे देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। बहुत सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये एक फूल कह रहा है। तो फूल की क्या अभिलाषा है? इस चैप्टर का नाम ही है पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे बोला है उसने, उस पुष्प ने, मेरी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के यानी देवताओं देवियों के जो देवता सुरबाला यानी सुर कन्याएं हैं, देवता देवियां हैं, उनके गहनों में गूथी जाऊं। यानी फूल बोल रहा है कि मेरी पुष्प की यह अभिलाषा है कि मैं किसी के गहनों में नहीं गूथा जाऊं, यानी उस पर नहीं चढ़ाया जाऊं। मेरी यह चाह नहीं है कि प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, कि प्रेमी माला यानी कि प्रेमी माला जो प्रेमी होते हैं, ठीक है, प्रेमी माला में बिंद यानी कि प्रेमी जो माला पहनते हैं ना, तो उसमें बींद यानी कि कैसे माला बनाते हैं फूलों की इस तरीके से, तो उसमें भी उसमें प्यारी को ललचाऊं कि मतलब मैं इतना सुंदर दिखूं, मुझसे वो जो माला बने वो इतनी सुंदर दिखे कि मैं सबको ललचाऊं। मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं राजाओं के शव पर यानी उनकी लाश पर, उनके शरीर पर डाला जाऊं, जो लोग जिन लोगों की डेथ होती है तो फूल डाला जाता है ना उन पे, तो ये भी उनकी चाह नहीं कि अरे राजा राजा के ऊपर मैं डाला जाऊं। यह भी चाह नहीं है कि मैं देवों के मस्तक पर सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं के रे, मैंने तो भगवान के सर पे हूँ मैं, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में तुम मुझे फेंक देना जहाँ पे मातृभूमि पे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने यानी कि जहाँ पे मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए जहाँ पे वीर जाते हों, बस उनके रास्ते में तुम मुझे डाल देना, बिछा देना, ठीक है। अब चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कविता में इसके अभिलाषा का वर्णन किया गया है, पुष्प की अभिलाषा का। पुष्प के लिए यह स्थिति सम्मानजनक है, कौन सा? तो वही जो लास्ट में हमने ये देखा, मातृभूमि के पथ पर चढ़ना। कवि कविता में या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश प्रेमियों के मार्ग में बिखराए जाना, पुष्प नहीं चाहता तो बहुत कुछ नहीं चाहता, सुरबाला के गहनों में गूथा जाना नहीं चाहता, प्रेमियों की माला में गूथा जाना नहीं चाहता, सम्राटों के शवों पर डाला जाना नहीं चाहता, देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाना नहीं चाहता। अब चढ़ाया जाना का मतलब कि ये है देवताओं के सिर पर कि जैसे कैसे कि हाँ मैं तो भगवान के सिर पे हूँ तो बहुत बड़ी मेरे लिए सम्मानदायक बात हो जाएगी, तो मुझे ये सम्मान भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उनके रास्ते में जरूर डाल दो जो देश प्रेमी है, जो अपनी जान गंवाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहे हैं, उस पथ पे मुझे डाल दो ताकि उनके पैरों को स्पर्श कर सकूं, छू सकूं। यानी कि यहाँ पे जो देश प्रेमी है, जो देश जो सैनिक है, उनके लिए बहुत सम्मान दिया गया है, यानी भगवान से भी बढ़ के यहाँ पे सम्मान दे दिया गया है। अब वो जो पूरी कविता थी, हमने जो लाइन देखा पूरा, उसका पूरा यहाँ पे भावार्थ देखना है सरल अर्थ में। तो देखो पुष्प कहता है, मैं अप्सराओं के गहनों में नहीं सजना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे माला में गूंथ कर प्रेमी अपनी प्रेमिका के गले में पहनाए, ये 2 मार्क्स का आएगा आपको। हे ईश्वर, मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं महान सम्राटों के शवों पर डाला जाऊं, मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर इठ लाऊं। इसलिए हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और जिस पथ पर वीर देश प्रेमी मातृभूमि के चरणों में अपना शीश अर्पित करने जा रहे हो, उस पथ पर बस मुझे बिखरा देना। तो ये हो जाता है कंप्लीट। और ये जो ये है 4 वाला अपठित पद्यांश क्रमांक 4, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। मैं हर एक पद्यांश एक एक वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि आपको सारे नहीं चाहिए होते हैं, तो एक वीडियो में अगर मैं सारे बता दूंगी तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है,
फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो वीडियो फिर बन जाएगा काफ़ी लेंदी। ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तो मैं काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं हर एक पद्यांश हर एक गद्यांश अलग अलग टॉपिक करके अलग अलग डाल रही हूँ। अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 9th स्टैंडर्ड राइटिंग स्किल का, उपयोजित लेखन का, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है? उसमें सारे आपको मिल जाएंगे। और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट से बताइए। कोई भी वीडियो अगर ब्लर रह गया हो और उसका मैंने नया वीडियो नहीं बनाया, पहले तो प्लेलिस्ट चेक करना, नया वीडियो बन जाएगा उसका, बना होगा, क्योंकि जो भी वीडियो ब्लर है मुझे उसके कमेंट आए, तो मैंने क्लियर वीडियो बना दिया है। जिसका मुझे क्लियर वीडियो का ऐसा कमेंट नहीं आया कि वापस से बनाओ करके, तो उसका तो नहीं बनाया मैंने। तो अगर आपको कोई ब्लर लगे वीडियो मैक्सिमम रिजोल्यूशन देखने के बावजूद भी अगर ब्लर लगे, तो मुझे कमेंट में आप बताना, ठीक है? बन जाएगा दूसरा वीडियो। आपकी मैथ्स के भी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं।